एक दफा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। उपाध्याय जी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और किस प्रदेश के किसके नहीं है, पक्षपात है वो तो आप देख लेंगे, सरकार बैठी हुई है। एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ बायको साहब से कि बायको साहब ने जो कहा है भारतीय भाषाओं के बारे में अनिवार्यता रह, जो विदेशी भाषा उसकी अनिवार्यता हटा के भारतीय भाषाओं के बारे में इम्तहान देना जरूरी है और हाँ इंडियन लैंग्वेज क्योंकि इस संबंध में हम जब सरकार में थे उत्तर प्रदेश में दक्षिण की सारी भाषाओं को पढ़ाने का काम हमने किया था और ये भी वहाँ की पुलिस भर्ती में अन्य भर्तियों में कह दिया था कि जो हिंदी के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में जो इम्तहान देंगे उनको कुछ नंबर हमने अलग से ज़्यादा देने का प्रयास किया था। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे विशेषकर तमिलनाडु के साथी बायको साहब किसी न किसी तरह इस रास्ते पर आ गए हैं और भारतीय भाषाओं के बारे में बात कीजिए, इस विदेशी अंग्रेजी भाषा को हटाने का काम कीजिए और अभी मौका अच्छा है, कल वोट पड़ेगा इसलिए आप बढ़ जाइए, आप वोट पड़ेगा बढ़िया है। ये तो है। सही तो भारतीय भाषाओं में इम्तहान देने की अभी भारतीय भाषा में ही तो उत्तर भी देना है ना, इस क्वेश्चन आप राइटिंग नहीं देंगे तो भारतीय भाषा चाहे मराठा में दीजिए उत्तर प्लीज, मराठा में उत्तर दे दिए हिंदी अच्छा, बोलते अच्छा है। अभी मुलायम सिंह जी भाषा में उत्तर दीजिए, यस मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी प्लीज नाउ जानते नटी दिस क्वेश्चन ऑफ अलाउइंग राइटिंग द एग्जामिनेशंस इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस अरोज इन